के लिए। वहीं 19वें एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में जमकर मेडल की बारिश हो रही है और इस कड़ी में डिस्कस थ्रो में देश की बेटी सीमा पुनिया ने भी अपना जलवा बिखेरते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। सीमा ने 58.62 मीटर का थ्रो फेंकते हुए कांस्य पदक को अपने नाम किया। सीमा के मुताबिक उनका ये पदक देश में मिल रही बेहतर ट्रेनिंग और सरकार द्वारा आयोजित कैंप में मिल रही सुविधाओं का ही नतीजा है। सीमा पुनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने, आपको सुनाते हैं। एथलेटिक्स में पदक की वर्षा हुई और इस वक्त हमारे साथ सीमा पुनिया हैं, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो बरकरार है मेडल लेने का एशियन गेम से, क्या कहेंगी? हाँ, पहले पहला एशियन गेम्स था तब गोल्ड था, दूसरे पिछली बार भी थर्ड प्लेस थी, अब भी, लेकिन मैं खुश हूँ। मेडल तो मेडल है, वो आप फर्स्ट पे आओ, थर्ड पे, पोडियम पे अगर आप फिनिश करते हो तो आप, इस मेहनत आपकी सफल हो रही है। एज एन एथलीट कितना एक स्ट्रगल रहता है इस मेडल को हासिल करने के लिए, अपने शब्दों में बताइए। देखिए, बहुत बड़ा संघर्ष होता है, जैसे आपकी एज बढ़ती है तो संघर्ष आपका डबल हो जाता है। फिर आप एथलेटिक्स ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर हैं, हमारी फेडरेशन ही जो भी करती है और गवर्नमेंट कैंप वगैरह लगाती है, तो मैं तो नेशनल कैंप की ही देन हूँ और जितना जो प्राइज मनी मिलती है मैं उसको अपने ऊपर ही खर्च करती हूँ कि अगले गेम्स की तैयारी करूँ। तो बहुत कुछ छोड़ के सब एक तपस्या, ये अब मेरे को 29 साल हो चुके हैं स्पोर्ट्स में, पहला डिस्कस में मेडल 95 में आया था मेरा। अच्छा, आपने खुद बताया कि आपको 29 साल हो चुके हैं, तो इन पूरे 29 साल के दरमियान कितना ज्यादा एक चेंज पा रहे हैं इस गेम में, डिस्कस थ्रो में, कितना ज्यादा पहले से जो कंडीशंस हैं वो कितनी ज्यादा टफ हुई हैं? देखिए, पहले भी ये पावर का स्पोर्ट्स था, पावर टेक्निक सब कुछ इसमें है, और अभी चेंज इसलिए हुआ कि यूट्यूब वगैरह आए हैं, तब से तो हर रोज टेक्निक और लोग अलग अलग आर्टिकल डालते हैं इसमें, डिस्कस मैन वुमेन हैमर सब टेक्निक सब सेम है, स्ट्रेंथ सब की, लड़का या लड़की स्ट्रेंथ वैसी रहती है, तो इनके रिजल्ट काफ़ी ऊपर गए हैं हम डिस्कस में। लेकिन अगर आप शुरू से ही एक अच्छे कोचिंग में आप ट्रेनिंग करते हो तो डिस्कस, मेरा मानना कि वर्ल्ड लेवल पे मेडल लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। सीमा, यहाँ से अगला आपका क्या टारगेट रहेगा? अभी तो देखो, ये थर्ड मेडल है ये, इसका मैं अपना फुल अपना एंजॉय करूंगी, उसके बाद सोचते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सीमा पुनिया, जिनको विश्वास है कि जो मेडल है उसका रंग बहुत बेहतर है, हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि इससे बेहतर करने की जो कोशिश है वो भी वो करेंगी, और आने वाले समय में उनका जो टारगेट रहेगा वो आगे कुछ जो चैंपियनशिप रहेंगी उसमें वो फोकस करेंगी। हांगजू से मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज के लिए।